चलिए भाई, कल हमने क्या किया था, लगभग आधा चैप्टर डिस्कस कर लिया था, लास्ट का कुछ पार्ट बचा है, आधे से ज्यादा ही कर लिया था लमसम, कुछ पार्ट बचा है उसे हम क्या करेंगे, फटाफट से डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा खत्म। तो मुझे फटाफट से बताओ कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। देखो, पहला आम चुनाव जो कि हुआ था कब, दूसरा कब हुआ, तो 1957, तीसरा 1962, चौथा 1967। ठीक है, इसी के बीच में 1964 में किसकी मृत्यु हुई थी, जवाहरलाल नेहरू की। 1965 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था हमारा पाकिस्तान से। ठीक है, 1966 में क्या हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी ताशकंद में, जब वो समझौता करने गए थे। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे 1969 में कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। ठीक है भाई, विभाजन हो गया था, किसका विभाजन हुआ था, कांग्रेस का। ठीक है, तो ये हमने पहले पार्ट में यानी कि कल वाली वीडियो के अंदर या कल वाली क्लास में क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि 1969 के विभाजन के बाद तो दो कांग्रेस बनी थी ना, कौन कौन सी, एक थी कांग्रेस ओ और एक थी कांग्रेस आर। ठीक है, तो एक थी कौन सी, कांग्रेस ओ और एक थी कांग्रेस आर और रिक्विजनिस्ट। और मैंने तुमसे कहा था कि ऐसे याद रखना कि इंदी रा रा यानी आर वाली जो थी वो किसकी थी, इंदिरा की थी, और ओ वाली कौन सी थी, सिंडिकेट की थी। सिंडिकेट क्या था, हाँ, बड़े बड़े नेताओं का क्या समूह, किसके बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का समूह। तो हम बात करेंगे विभाजन के बाद हुआ क्या। ठीक है, तो भाई कांग्रेस का विभाजन हो गया, इंदिरा गांधी ने किसी तरीके से सीपीआई और डीएमके के साथ सरकार बना ली थी। सीपीआई याद है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना, याद है, हाँ, इसके साथ सरकार बना ली थी। अब देखो हुआ क्या, विभाजन के बाद इंदिरा गांधी ने सबसे पहले क्या किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी 14 बैंकों को पकड़ा और उन्हें सीधा क्या कर दिया, सरकारी बना दिया। ठीक है, प्रिवी पर्स खत्म कर दिया, प्रिवी पर्स क्या होता है, तो जो राजा को वेतन भत्ते दिए जाते थे वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा, भूमि सुधारों को बढ़ावा दिया। ठीक है, भूमि सुधार मतलब किसानों के लिए जो सुधार किए गए थे उसको क्या किया, बढ़ावा दिया। और गरीबों के हितों के लिए क्या की, नीतियां बनाई, यानी ऐसी नीतियां बनाई जिनसे क्या हो, गरीबों को फायदा हो, उनका भला हो। ये बात समझ आ गई। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ, तो 1970 में इंदिरा गांधी ने समर्थन वाली सरकार को गिरा दिया। ठीक है, समर्थन वाली सरकार कौन सी, जो सीपीआई के साथ बनी थी, उस सरकार को गिरा दिया। और क्योंकि 70 में सरकार गिर गई तो फिर चुनाव हुए कब, 1971 में, तो इसीलिए ये चुनाव कब हुए, 4 साल बाद, कितने साल बाद, 4 साल बाद, है ना, पहले 67 में हुए थे और 67 के बाद अब कब हुए, 71 में हुए, 1971 में। ठीक है, तो देखो पहला आम चुनाव कब हुआ, 1952, दूसरा कब हुआ, 1957, तीसरा कब हुआ, 1962, चौथा कब हुआ, 1967, और पांचवा कब हुआ, 1971। ठीक है, तो देखो कितने साल हो गए, ये 4 साल ही हुए ना, तो 4 साल बाद फिर से क्या हुए, चुनाव हुए। अब ये चुनाव हुए तो इसके अंदर क्या हुआ, देखो फरवरी 1971 में देश में हुए पांचवें आम चुनाव, कौन से, पांचवें आम चुनाव। इस बार मुकाबला था कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के बीच, क्योंकि कांग्रेस के दो हिस्से हो गए थे, कौन कौन से, एक तो कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर। और सभी का मानना था कि असली ताकत किस में, कांग्रेस ओ में है। ओ में क्यों है, क्योंकि उसमें सिंडिकेट था, सारे बड़े बड़े नेता थे, तो सभी ने ये माना कि भाई कौन जीतेगा, कांग्रेस ओ जीतेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, देखते हैं जरा अभी आगे। इसी बीच जितने भी गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी पार्टियां थी सभी ने मिलकर क्या बना लिया, ग्रैंड अलायंस, इसे याद रखना, क्या, ग्रैंड अलायंस यानी कि महाजोट। अब इसे समझो क्या हुआ, 1971 के चुनाव हुए तो एक तरफ तो तुम्हारी हो गई कौन सी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर। ठीक है, दूसरी तरफ तुम्हारी कौन सी हो गई, कांग्रेस ओ, ऑर्गेनाइजेशन सिंडिकेट वाली। और तीसरा, जितने भी विपक्षी थे यानी जितने भी बच गए उन सब ने मिलकर क्या बनाया, ग्रैंड अलायंस। क्या बनाया, ग्रैंड अलायंस का मतलब होता है महाजोट, महाजोट, महागठबंधन बोल दो, महाजोट बोल दो। ठीक है, तो सभी पार्टियों ने साथ में मिलकर क्या बना लिया, महाजोट या महागठबंधन। ये बात समझ आ गई। अब भाई बन गया महागठबंधन, तो तीन लोगों के बीच में मुकाबला था, कितने थे, इंदिरा गांधी ने इस चुनाव में नारा दिया गरीबी हटाओ, क्या नारा दिया, गरीबी गरीबी हटाओ, और बाकी के सब लोग चिल्ला रहे थे क्या, इंदिरा हटाओ। ठीक
ठीक है, तो इंदिरा गांधी गरीबों पे फोकस कर रही थी और बाकी सब लोग इंदिरा गांधी पे फोकस कर रहे थे। होना क्या था? होना वही था जो कि हुआ कि भाई देश में चुनाव हुए और परिणाम ऐसे आए कि सब चौंक गए कि जो कांग्रेस आर थी और सीपीआई थी, सीपीआई वही, ये दोनों साथ में हो गए आगे जाकर। ठीक है, तो कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को क्या हुआ? सबसे ज्यादा सीटें मिली। कितनी सीटें मिली? 375। कितनी? 375। ठीक है, अब देखो पहले आम चुनाव में कितनी मिली थी? 364। दूसरे में कितनी सीटें मिली थी? 371। और तीसरे में कितनी मिली थी? 361। चौथे वाले में 1967 में मैंने तुम्हें बताया था कि कांग्रेस की हालत खराब हो गई थी, 9 में क्या नहीं कर पाई वो सरकार, नहीं बना पाई 9 राज्यों में, केंद्र में बना ली थी, याद है 1967 वाला। ठीक है, और उसके बाद अब जो ये पांचवा हुआ तो इसमें इसको कितनी सीटें मिल गई? 375। कितनी सीटें? 375 सीटें। तो इस तरीके से कांग्रेस आर क्या हो गई? जीत गई। इसमें से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आर को ही 352 सीटें मिली। दो थी ना ये, एक तो कांग्रेस थी एक सीपीआई थी, तो सिर्फ कांग्रेस आर को ही कितनी मिली? 352 सीटें। बाकी की बची हुई कितनी? 23 सीटें किसको मिली? सीपीआई को। ठीक है, अब जो ये महाजोट बना था इसमें से जो कांग्रेस ओ था जिसमें सारे बड़े बड़े नेता थे उन्हें सिर्फ 16 सीटें मिली। कितनी सीटें? 16। यानी सोचो पूरे के पूरे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को सबको खत्म कर दिया इंदिरा ने अकेले, है ना। और बाकी का जो वो महाजोट बना था तीसरा वाला, ये वाला ग्रैंड अलायंस, इसे सिर्फ कितनी सीटें मिली? 40। तो यानी कि अगर तुम गौर से देखो तो तीन लोग थे मैदान में, कांग्रेस आर ओ और ग्रैंड अलायंस। कांग्रेस के गठबंधन को कितनी? 375 सीटें मिली, है ना, 75। इसे कांग्रेस ओ को कितनी मिली? 16 सीटें मिली। और ग्रैंड अलायंस को कितनी मिली? 40 सीटें मिली। अब तुम सोचो तो इंदिरा गांधी आराम से जीत गई। तो इस तरीके से 1971 का चुनाव किसने जीत लिया? इंदिरा गांधी ने जीत लिया। पर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो यहां पर ये लिखा जाएगा कांग्रेस आर के जीत के कारण क्या थे, ये मिस टाइप है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस आर जीती थी ना, तो इसे जो नोट्स मिले हैं उसमें भी करेक्ट कर लेना, यहां पर क्या आएगा कांग्रेस आर के जीत के कारण क्या थे। ठीक है, और यहां पर भी इससे ऊपर वाली जो लाइन है ये वाली, इसमें भी आएगा कांग्रेस आर। ठीक है, देखो तो कांग्रेस आर आखिर जीती क्यों? देखो पहला तो वही जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है, जिस वजह से सभी को ऐसा लगा कि भाई इंदिरा गांधी क्या चाहती हैं, गरीबों का भला चाहती हैं। दूसरा जो उन्होंने प्रिवी पर्स खत्म किया था, तीसरा जो भूमि सुधारों को बढ़ावा दिया और गरीबों के हितों के लिए नीतियां बनाई, उसी के साथ साथ जो समाजवादी नीतियां थी, समाजवाद का मतलब होता है ऐसी नीतियां जो गरीबों के कल्याण के लिए बनाई गई थी, तो सभी को ऐसा लगने लगा कि भाई इंदिरा गांधी ही उन्हें क्या कर सकती हैं, इस गरीबी की समस्या से बाहर निकाल सकती हैं, और इसीलिए सबने उन पर भरोसा किया और उन्हें भर भर कर क्या दिए? वोट दिए। जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था उन्होंने, तो हर जगह जाकर उन्होंने ये कहा गरीबी हटाओ, तो लोगों को कहीं ना कहीं से क्या हुआ, उम्मीद मिली कि अब इंदिरा ही है जो हमारा भला कर सकती हैं, और इसी वजह से क्या हुआ कि इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। उसी के साथ साथ इंदिरा बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी थी, ठीक है, यानी लोगों के बीच में वो बहुत ज्यादा क्या थी, लोकप्रिय थी। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनसे पहले भी कोई नहीं था और उनके बाद भी कोई नहीं बना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी थी, तो इस तरीके से तुम्हारी इंदिरा गांधी क्या हो गई, चुनाव जीत गई। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कांग्रेस का पुनर्स्थापन। कांग्रेस के पुनर्स्थापन का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है कि कांग्रेस को उसकी पुरानी स्थिति में ले जाना। जैसा कि हमने देखा कि 1967 में कांग्रेस को काफी कम वोट मिले, पर 1971 में कांग्रेस अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ गई। इसका मतलब क्या था, इसे समझो, मेरी बात सुनना गौर से। इधर देखो 1952 में हुआ था ना पहला आम चुनाव, कितनी सीटें मिली थी? 364। कितनी? ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आम चुनाव हुआ 1957 में, इसमें कितनी मिली थी? 371। और इसके बाद हुआ चौथा 1962 में, इसमें कितनी सीटें मिली थी? 361। यहां पर सब में 300 से ज्यादा सीटें मिली। चौथे आम चुनाव में क्या हुआ था? चौथे में क्या हुआ था? चौथे में क्या हुआ था? चौथे में 1967 के अंदर क्या हुआ था, कांग्रेस की हालत खराब हो गई थी, है ना, 9 राज्यों के अंदर वो क्या हुआ था, सीधे सीधे चुनाव, 6-7 राज्यों में चुनाव हार गई थी और 2 में दल बदल की वजह से सरकार नहीं बनी। ठीक है, तो इस वजह से 1967 में कांग्रेस की स्थिति हो गई खराब। अब अगर तुम गौर से देखो तो इंदिरा गांधी क्या किया, इंदिरा गांधी ने 1971 में
कांग्रेस को वापसी दिलाई और कितनी सीटें जीती, 375, जिसमें से 352 सीटें तो किसकी थी, खुद की कांग्रेस की थी। यानी जहां 1967 में कांग्रेस की स्थिति खराब हुई थी तो उसकी स्थिति में सुधार कौन लाया, इंदिरा गांधी ने। तो इसी को बोलते हैं क्या, कांग्रेस का पुनर्स्थापन, कि कैसे पहले तीन आम चुनावों में कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी थी जो जीती थी, 1967 में आकर कहानी थोड़ी सी खराब हो गई, पर फिर से उसको उसी स्थिति में कौन लाया, इंदिरा गांधी। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि कांग्रेस का पुनर्स्थापन क्या है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि कांग्रेस को उसकी पुरानी स्थिति में वापस ले जाना, जैसा कि उसने पहले दूसरे तीसरे आम चुनाव में किया था वैसा ही प्रदर्शन दोबारा करना, ठीक है, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। तो इसे कहा गया कांग्रेस का पुनर्स्थापन। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत, चलो। ऐसा हुआ क्यों, यानी क्या क्या खास बात थी। तो पहली बात, अब जो नई कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस आर जो कि जीती थी, वो पूरी तरह से इंदिरा गांधी पर निर्भर थी, सही बात है, इंदिरा गांधी से ही तो उस कांग्रेस की पहचान थी ना, जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो तो पिछले वाले उसके अंदर चले गए, इस कांग्रेस की पहचान किससे थी, इंदिरा गांधी से। उसके बाद अलग अलग गुटों की समाप्ति हो गई, कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट बना हुआ था, बाकी के नेता थे तो उन सबके अलग अलग गुट बने हुए थे, जब इंदिरा गांधी ने उनसे अलग होकर एक नई कांग्रेस बनाई, कौन सी, कांग्रेस आर, तो इस तरीके से उसके अंदर जो गुट थे वो सब खत्म हो गए और सब लोग किसकी सुनते थे, अब इंदिरा गांधी की, ठीक है। समाजवादी विचारधारा, कैसे, अभी हमने देखा कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया यानी कि सरकारी बना दिया, तो प्राइवेट से सरकारी करने का मतलब समाजवादी तो होता है ना, ठीक है, हाँ। तो बेसिकली इस तरीके से इंदिरा गांधी की जो विचारधारा रही वो किस प्रकार की रही, समाजवादी रही, ठीक है। गरीबों का कल्याण इनके लिए क्या था, मुख्य मुद्दा था, और अधिक व्यवस्थित और शक्तिशाली थी कांग्रेस अब, क्योंकि अब अलग अलग गुट नहीं थे। जैसे पहले मैंने तुम्हें बताया था जब इंदिरा गांधी आए थे तो उस समय इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में दिक्कत थी, फिर आगे जाकर हमें पता चला कि इंदिरा गांधी और संजीवा रेड्डी के बीच में दिक्कत थी, याद है राष्ट्रपति चुनाव में, है ना। तो अब की जो कांग्रेस थी वो ज्यादा शक्तिशाली थी और ज्यादा क्या थी, व्यवस्थित थी, ठीक है। ये बात समझ आ गई यहां तक, बताओ। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि 1952 में हुए पहले चुनाव, दूसरे कब हुए बेटा, तीसरे 62, चौथे 1967, पांचवे 1971। इन तीनों के अंदर कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू, सही बात है, इसके अंदर इंदिरा गांधी, और इसमें भी कौन, इंदिरा गांधी, ठीक है, इन दोनों में ही इंदिरा गांधी थी, 67 और 71 में इंदिरा गांधी थी, रुक जाओ, ठीक है। 1962 के बाद 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू गए तब लाल बहादुर शास्त्री आए, और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री भी चले गए, तो किसी चुनाव में थे ही नहीं वो, है ना। देखो 1962 के बाद कब हुआ, 67 में चुनाव हुआ, और वो 66 में जा चुके थे और आए 64 में थे, तो किसी चुनाव में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, बात समझ आ गई या नहीं आई, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद सब में जीता कौन, कांग्रेस जीती, ठीक है। पहले आम चुनाव में 364 सीटें, दूसरे वाले में कितनी, 371 सीटें, तीसरे वाले में कितनी, 361 सीटें। 1967 का छोड़ दो क्योंकि उसमें हालत हो गई थी खराब, और 1971 में कितनी, 325 सीटें, 375 सीटें, कितनी सीटें, 375 सीटें, और इसमें से 352 सीटें अकेले किसकी थी, कांग्रेस की थी। तो ये कहानी समझ आ गई, ठीक है, ये यहां तक अभी हमने पढ़ लिया। तो तुम्हें पांचों चुनाव पता होने चाहिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था वो पता होना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पता होना चाहिए, और साथ ही साथ हाँ जय जवान जय किसान का जो नारा था वो सारी चीजें तुम्हें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। 1971 में कौन सा नारा दिया था, गरीबी हटाओ का, ठीक है। 1971 में गठबंधन कौन सा बना था, ग्रैंड अलायंस, अभी बताया था ना कि तीन थे, पहले कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ, और कौन सा, ग्रैंड अलायंस, ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन चीजें तुम्हें और याद रखनी है, बस ये दो पॉइंट है और खत्म हो जाएगा ये। पहला तो दल बदल क्या होता है, तो दल बदल मैंने तुम्हें भी बताया था कि तुमने किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद तुम दूसरी पार्टी में चले गए, तो इसे क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या था, गठबंधन, गठबंधन का मतलब होता है कि जब बहुत सारी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं और साथ में मिलकर क्या करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, ठीक है, चुनाव लड़ती हैं। तो जैसे अभी हमने बात की थी किसके बारे में, ग्रैंड अलायंस के बारे में, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि 1971 में एक तरफ तो कांग्रेस आर थी, एक तरफ कांग्रेस ओ थी, और दूसरा कौन सा था, ग्रैंड अलायंस। तो ग्रैंड अलायंस क्या था, बाकी की सभी पार्टियों का गठबंधन था, यानी बाकी की सभी पार्टियां एक साथ आ गई कि हम सब क्या करेंगे, मिलकर चुनाव लड़े, ठीक है, हाँ। तो ये चैप्टर हो जाता है तुम्हारा खत्म।
दो चार क्वेश्चन अगर देखने हैं तो देख लो। नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री किसे चुना गया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ कौन सा समझौता किया? वो बताया था ना कि 1966 में जब वो गए थे ताशकंद, तो कौन सा समझौता करने गए थे? ताशकंद समझौता। ठीक है, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? नागरिकों ने नहीं, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? सिंडिकेट ने, याद है जब मैंने तुम्हें बताया था कि कह रहे थे कि चलो इंदिरा गांधी तो नहीं नहीं आई, अभी भोली सी हमारी बात सुनती रहेंगी, तो इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का संकेत कैसे महसूस होता है? कि भाई कितने भी हमारे युद्ध हुए, कितने भी प्रधानमंत्री आए और गए, पर भारत में एक चीज स्पष्ट रही, क्या? लोकतंत्र। यानी चुनाव होते रहे, सरकारें आती जाती रही, प्रधानमंत्री बदलते रहे, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोकतंत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद आएगा तुम्हारा सातवां चैप्टर, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखा है सबसे पहले भारत के किस राज्य में किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी? तो ये मैंने तुम्हें बताया था केरल में, किसकी बनी थी? सीपीआई की, याद है? हाँ, प्रिवी पर्स क्या है? हाँ तो वही वाला हो गया ना टैक्स, वो ये प्रिवी पर्स वो नहीं था, प्रिवी पर्स था कि जो राजाओं को वेतन और भत्ते दिए जाते थे, कल बताया था ना। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये तुम मेरे को ढूंढ के बताओगे। और इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? गरीबी हटाओ। ठीक है, ये तुम मेरे को बताओगे क्योंकि मैंने बताया था, ये लिखा हुआ है नोट्स। ठीक है, तो भाई फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर खत्म करेंगे, ये चैप्टर हो गया है बिल्कुल फिनिश। इसके बाद हम करेंगे कल चैप्टर सिक्स है, ये पांचवा था ना, तो चैप्टर नंबर है सिक्स। ठीक है, और इसके सभी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो का पार्ट वन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे अच्छे से देखना, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली ऐसी ही वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।